और आज पीएम मोदी के कार्यक्रम को ध्यान में रखते हुए एनसीपी के शरद पवार गुट के कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया। पीएम के आज के कार्यक्रम को ध्यान में रखते हुए नवी मुंबई पुलिस और मुंबई पुलिस अलर्ट है। एनसीपी युवा विंग ने पीएम मोदी को काला गुलाब देकर उनका विरोध करने की योजना बनाई थी, जिसके बाद एनसीपी शरद गुट के कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में भी लिया गया है। एनसीपी शरद पवार गुट ने एमटीएचएल के टोल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने की घोषणा की है। एनसीपी का तर्क है कि एक बार की यात्रा के लिए 250 रुपए चार्ज करने की घोषणा की गई थी, जो काफी ज्यादा है, इससे एनसीपी नाराज है। इधर कांग्रेस नेता राहुल गांधी की यात्रा को लेकर महाराष्ट्र कांग्रेस ने एक बैठक की। राहुल गांधी की न्याय यात्रा का अंतिम पड़ाव महाराष्ट्र में होने वाला है, इस पर प्रदेश कांग्रेस नेताओं ने चर्चा की। राज्य में कांग्रेस की स्थिति मजबूत करने पर भी जोर दिया गया। इस बीच राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के उद्घाटन समारोह में नहीं जाने के सवाल पर महाराष्ट्र कांग्रेस प्रभारी ने रमेश चेन्नीथला ने कहा कि चारों शंकराचार्यों ने आने से मना कर दिया है। जब शंकराचार्य नहीं जा रहे हैं तो हम राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में कैसे जा सकते हैं। राजनीतिक लाभ उठाने के लिए बीजेपी राम मंदिर का मुद्दा उठा रही है।